मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योग शरीर मन और भावनाओं को संतुलित करने का साधन है। साथ ही साथ योग जीने की एक तरीका और एक जीवन कला कहते हैं। इसीलिए दररोज के अपनी प्रैक्टिस में, दररोज के अपनी आदर्श लाइफस्टाइल में हमें योग योगाभ्यास करना ही है। हमारे जीवन में योग का प्रभाव शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक संतुलित करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्रों, हमेशा की तरह आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। आज के क्लास के क्लास में हम लोग मेडिटेशन, ओमकार चैंटिंग, प्रार्थना, उसके बाद वार्म अप एक्सरसाइज और एक नया टॉपिक, इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। मेडिटेशन के लिए एवरीवन सिट स्ट्रेट, जेंटली क्लोज योर आइज, कीप योर बैक स्ट्रेट, hands on your thighs, breath awareness, inner awareness, श्वास प्रश्वास के प्रति alert और aware होना है। मेडिटेशन करते वक्त मन में अगर निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस है, माइंड इधर उधर भटक रहा है, तो उसे कंट्रोल में एकाग्र करने के लिए अपनी श्वास और प्रश्वास के प्रति हमें ध्यान देना है। शरीर के साथ साथ श्वास प्रश्वास और मन अब प्रैक्टिस के लिए तैयार है। मेडिटेशन करेंगे ये करते वक्त कॉन्सेंट्रेशन का फील अनुभव करेंगे। अब आगे हमें बढ़ना है मेडिटेशन और कंसंट्रेशन के लिए जो उपयोगी है वह है ओमकार चैंटिंग। 3 बार हमें मीडियम वॉइस ओमकार चैंट करना है। ये चैंट करते वक्त, ये चैंटिंग करते वक्त शरीर, श्वास प्रश्वास और मन को अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे। रेचक ब्रीद आउट, टेक अ डीप ब्रेथ, प्रेयर प्रार्थना के लिए तैयार। जॉइन योर हैंड्स, डोंट ओपन योर आईज एंड कीप योर बैक स्ट्रेट। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो रः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पीस ऑफ माइंड, कॉन्सेंट्रेट,
इनर अवेयरनेस। पामी हस्तमर्दन, गिव मसाज टू योर आईज एंड स्लोली ओपन योर आईज एंड गेट रेडी फॉर नेक्स्ट प्रैक्टिस। टुडे वी विल बी डूइंग वार्म अप एक्सरसाइज, आई वार्म अप एक्सरसाइज। स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। स्टूडेंट्स, रोज के प्रैक्टिस में हमें मेडिटेशन, ओमकार चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग, उसके बाद वार्म अप एक्सरसाइज, ये करने के बाद ही आगे की प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ना है। तो बच्चों, अभी हम लोग वक्र हस्त भुजंगासन, इसका अभ्यास करेंगे। आज जो हम लोग नया आसन सीखेंगे उसका नाम है वक्र हस्त भुजंगासन। ये आसन करते वक्त वापस एक बार मुझे आपको ये शेयर करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि भुजंगासन स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड सब प्रॉब्लम्स का हल है। तो वक्र हस्त भुजंगासन, उसका हम लोग अभी प्रैक्टिकल देखेंगे। ये सब जो आसन है वो भुजंगासन, सरल हस्त, वक्र हस्त नियर बाय सेम है, लेकिन इसे हम लोग भुजंगासन के वेरिएशंस कह सकते हैं। तो आइए अब हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। बच्चों, वक्र हस्त भुजंगासन के लिए हमने जो विश्रांति अवस्था ली है वो है अपनी टीवी पोस्चर में हमें रिलैक्स होना है। इसका प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ते वक्त दोनों लेग्स टुगेदर, कई जगह दोनों लेग्स में डिस्टेंस रखते हैं, कई जगह लेग्स टुगेदर रखते हैं, बट इंपॉर्टेंट फोकस जो है वो अपना बैकबोन, उसे बैकवर्ड बेंडिंग देना है। ऐसा कर सकते हैं और लेग्स में डिस्टेंस भी हम लोग ले सकते हैं, बट मेन फोकस जो है वो अपनी बैकबोन को प्रॉपरली बैकवर्ड बेंडिंग देना, ये है। वापस आते वक्त वापस एक बार टीवी पोस्चर में विश्रांति। बच्चों, हमने इसका प्रैक्टिकल कैसे करना है ये देखा, बराबर है, और अब आगे बढ़ेंगे इसके लाभ यानी बेनिफिट्स की तरफ। इसके नियमित अभ्यास से शरीर लचीला, फ्लेक्सिबल बनता है, स्फूर्तिला बनता है, और मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड, अपनी शरीर का बैकबोन जिससे रिलेटेड 66% मसल है, हमें पता ही है, वो मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड को अच्छी मालिश ये दिलाता है। शोल्डर्स के लिए भी ये आसन बहुत उपयोगी है, और कमर पतली होना, हमें वजन कम करना, प्रॉपरली ट्विस्टिंग करना, ये सब साध्य इस आसन से होते हैं। पीठ दर्द के लिए भी ये आसन बहुत उपयोगी होता है, बराबर है। आजकल के ऑनलाइन हमारे क्लासेस चालू है, बहुत बार हमें पीसी के ऊपर अगर हम लोग 3-3, 4-4 घंटा बैठने के बाद अगर बैक से रिलेटेड अभी हमें प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो हमें ये आसन तुरंत करना चाहिए। साइटिका यानी बैक पेन और बैक के रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ये आसन ट्रीटमेंट एज सच बताते हैं। आगे बढ़ेंगे सावधानियां इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की तरफ। जिनको अति सक्रिय हार्निया है, हार्निया का पेशेंट अगर है, हार्निया का ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, या स्पाइनल से रिलेटेड या स्टमक से रिलेटेड कौन से भी अगर ऑपरेशंस है, तो ऑफ कोर्स उन्हें यह आसन स्किप करना है। ये आसन करते वक्त अगर पेट दर्द हो रहा है, अगर कुछ इंजुरी है, तो उन्हें भी ये आसन नहीं करना है। जैसा मैंने बताया कि ऑपरेशंस पेशेंट्स को भी ये आसन स्किप करना है।
तो बच्चों आज हमने भुजंग आसन का एक नया वेरिएशन सीखेंगे। रोज के प्रैक्टिस में हमने जितने जितने भुजंग आसन के वेरिएशंस सीखे हैं वीकली, हमें उसका अभ्यास करना है। सारांश में, योग है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, योग रोग मुक्त जीवन के लिए गुणकारी। योग रोग मुक्त जीवन के लिए गुणकारी। धन्यवाद।